जब मैं विलन बनता हूं ना, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। हिंदी सिनेमा के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड किंग सुपरस्टार शाहरुख खान के नाम हो गया है। जवान के दूसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट मीडिया के सामने आ गई है। फिल्म की बम्पर कमाई जारी है। देश विदेश में बज रहा किंग खान का डंका। शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर मूवी जवान ने दुनिया भर में अपना जलवा जारी रखा है। महज दो दिनों में 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर भारत की पहली फिल्म बन गई है। सिर्फ दो दिनों में 53 करोड़ रुपए का कारोबार कर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया है, जिसमें 47 करोड़ रुपए हिंदी भाषा में रिलीज से आए हैं। फिल्म ने पहले दिन हिंदी भाषा में 75 करोड़ रुपए का किया था कारोबार। जवान की दूसरे दिन वर्ल्ड वाइड कमाई 200 करोड़ रुपए के पार हो गई है। किंग खान ने जवान के जरिए बड़े पर्दे पर धूम मचा दिया है। शाहरुख खान ने अंतारा स्टारर फिल्म में इतिहास रच दिया है। फिल्म का एक सीन किंग खान को चर्चा में ला दिया है। फिल्म के जरिए शाहरुख खान ने संदेश दिया है कि लोगों को जात और मजहब से ऊपर उठकर वोट देना चाहिए। जब 5 साल बाद नेता वोट मांगने आए तो उनसे भी सवाल जवाब करना चाहिए। शाहरुख खान के इस डायलॉग की देश भर में खूब चर्चा हो रही है। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के इस मोनोलॉग से सियासत भी शुरू हो गई है। जवान का यह सीन खूब चर्चा में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शाहरुख खान के इस डायलॉग को लपक लिया है। केजरीवाल ने कहा, हम सालों से कहते आ रहे हैं, वो बात आज SRK ने फिल्म जवान के जरिए कह डाली। नई दिल्ली से न्यूज वर्ल्ड सिनेमा बॉलीवुड के लिए साकिब जकरिया की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।